सेनानियों ने इस देश को स्वतंत्र करने में, आज़ादी की लड़ाई में अपने अपने योगदान को किया। हम सब उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के हम राष्ट्र भावना से राष्ट्र निर्माण में जुट सकें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और पुनः उस पुण्य आत्मा को, भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हैं। आप सब, जैसे अभी हमारे मीडिया प्रभारी आदरणीय पाठक जी ने आपसे कहा, मैं 2 दिन के कार्यक्रम पर झारखंड में आया था और उसका उद्देश्य था 8 वर्ष में हमारी केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं और जो सफलताएं अर्जित की हैं, परिणाम दिए, उनके विषय में हम लोगों से चर्चा करें और उनसे जानकारियां देने का और जानकारियां लेने का दोनों काम हम इस दौरान जो हमारे कार्यक्रम होंगे उसमें लेने का विचार। 2 दिन मैं झारखंड में रहा, आप सबके बीच में बहुत अच्छा लगा, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं से भेंट हुई और बहुत सारी जानकारियां दी इस प्रदेश के विषय में, केंद्र सरकार की योजनाओं के विषय में हम सबको प्राप्त। आप सबको जैसी जानकारी है, 2014 में हमारी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली सरकार बनी थी। उसी समय इस सरकार ने ये निर्णय किया था कि हम कुछ ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो सदैव से हमारे एजेंडे में रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ के समय में जो फिलॉसफी दी, जिसके आधार पर भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल काम कर रहा है, उसमें एक मूल तत्व था अंत्योदय, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरल शब्दों में गरीब कल्याण कहा। और ये सरकार बहुत सारे अलग अलग विषयों के साथ ऐसे ज़रूरतमंद और कमज़ोर वर्ग के लोग, गरीब लोगों को उनका जीवन आसानी से और अच्छा गुजरे, उसके लिए जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने और उनके जीवन जीने की सुविधाएं बढ़ाने, इस पर प्राथमिकता से काम करने का निश्चय 2014 में ही लिया था। और वो काम उन्होंने लगातार किया। इस दौरान हमने 10 करोड़ से ज़्यादा स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया, 9 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के फ्री सिलेंडर दिए, 3 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए, गांव-गांव तक, घर घर तक बिजली पहुँची, उसके लिए अभियान चलाया, 2024 तक हर घर में नल से जल, ऐसी योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी जुड़ना, रेलवे का ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका विस्तार कर सकें, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा दृष्टि ऐसी भी है कि जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल सके, स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंध किए जाए। और इन सब के पीछे जो हमारी सरकार 2014 में उद्देश्य लेकर चली थी, उनको पूरा करने के साथ साथ लोगों की सुविधाएं बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य था, जिसमें निश्चित रूप से 8 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। उसी का उत्सव या उसका आप कह सकते हैं समारोह हम पूरे देश में मना रहे हैं। उसी क्रम में मुझे रांची आने का अवसर मिला, आप सबके बीच में बात करने का अवसर मिला, उसी क्रम में मैं आया था। इस दौरान आपने देखा होगा कि इन 8 वर्षों में देश ने न केवल तरक्की की है, देश के लोगों को अच्छा जीवन जीने का अवसर हमने दिया है, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए, उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। और कोविड जैसी विश्वव्यापी महामारी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के सामने थी, उस दौरान भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया, कोविड को नियंत्रण किया, उसके साथ ही जो हमारे पास उपलब्ध उस समय संसाधन थे, हमारे पास किट नहीं थी, टेस्टिंग किट नहीं थी, लेबोरेटरी नहीं थी, और वैक्सीन की तो बात भारत में उस समय सोची भी नहीं जा सकती। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दौरान, जब
हमने ये काम शुरू किया पूरे देश में केवल। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।